नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल। स्वागत है आपका हमारे वीकली प्रोग्राम सिटी राशिफल में। हाजिर है हम आपकी राशिफल को लेकर। कैसा रहेगा ये सप्ताह आपके लिए, आज हम बात करेंगे 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के सप्ताह की। तो आचार्य जी, पहले स्वागत करते हैं आपका इस प्रोग्राम में। नमस्कार जी। तो जानना चाहते हैं आपसे सबसे पहले तो इस सप्ताह में क्या कुछ खास होने वाला है, कैसा रहने वाला है ये सप्ताह सभी के लिए। बिल्कुल, सभी लोगों के लिए सप्ताह बहुत ही मिला जुला रहने वाला है। मेष राशि, वृक राशि और धनु राशि वाले जातक तीनों के लिए ही अच्छा नहीं है। और मैं यदि बात करूं बाकी राशियों के लिए बहुत ही अच्छा ये समय है। और महंगाई हल्की सी आपको झेलनी पड़ सकती है, कपड़े में कुछ हल्की सी गिरावट आ सकती है, उतने महंगे नहीं रहेंगे। और ये सप्ताह यदि मैं बात करूं तो खान पान की जितनी भी चीजें हैं वो थोड़ी सी महंगी हो सकती है, और बाहर खाना भी बड़ा महंगा हो सकता है। और यदि बात करूं रुई कपड़े और ये गुड़ या तिलहन की, इसमें जो है गिरावट आपको रह सकती है। ये सप्ताह मिला जुला ही आपके लिए रहेगा। राजनीतिक फेरबदल भी इस सप्ताह लिखा है जी। तो चलिए, तो ये तो बात हुई पूरे सप्ताह की, ओवरऑल कैसा रहेगा। अब जानते हैं आपकी राशि के अनुसार कैसा रहेगा ये सप्ताह। मेष राशि की सबसे पहले हम बात करेंगे। बिल्कुल, मेष राशि वाले जातकों को मैं बता दूं, ये सप्ताह थोड़ा सा आपको परेशानी लेकर के आ सकता है। 55% के आसपास का आपका सक्सेस रेट है। और मैं यदि बात करूं आपके सप्ताह को अच्छा करने के लिए, आप थोड़ा सा घर से बाहर ज्यादा रहे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी बात मैं करता हूं कि आप आपसी कलह आपकी बढ़ सकती है, जमीनी विवाद में भी आपको परेशानी हो सकती है। और ज्यादातर मैं ये देखता हूँ कि मेहनत का ये सप्ताह आपका रहने वाला है। बुधवार, शनिवार और शुक्रवार, ये तीनों ही दिन आपको बहुत मेहनत करनी होगी, बाकी के दिन आपके अच्छे हैं, उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है जी। तो चलिए जानते हैं कि मेष राशि वालों का कौन सा रहेगा लकी नंबर और कलर। यदि मैं लकी नंबर की बात करूं तो 5 अंक आपके लिए लकी अंक है। और साथ साथ रंग की बात करूं तो गहरे लाल रंग का प्रयोग आप इस सप्ताह कर सकते हैं, आपको बेहद अच्छा रहेगा। और उपाय आपको क्या करना है, 3 नारियल लाल कर देने हैं, और लाल करने के बाद सर के ऊपर उन्हें वारना है और लौंग के साथ उन तीनों नारियलों को दबाना है, बेहद उत्तम। और जो आप चाहते हैं वो आपका होने वाला है कार्य जी। तो चलिए बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। वृषभ राशि वालों के लिए मैं बता दूं ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है, जो आप चाहते हो वो भी होने वाला है। और विशेष तौर पे आपको बहुत अच्छी खबर या समाचार मिलने वाला है। यदि आप नौकरी करते हैं इंश्योरेंस इत्यादि कंपनियों में तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। और जो सरकारी नौकरी नहीं करता है, प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनको जो है सैलरी इत्यादि भी सप्ताह बढ़ सकती है। शनिवार, शुक्रवार और बुधवार, ये तीनों ही दिन आपके लिए अच्छे हैं। और बहुत बढ़िया शॉपिंग और खरीदारी भी सप्ताह आपकी रहने वाली है। और मित्रों से लाभ आपके लिए बिल्कुल लिखा है, मित्रों से बहुत बड़ा लाभ आपके लिए होने वाला है जी। तो ओवरऑल वृषभ राशि वालों का अच्छा है ये सप्ताह, लेकिन फिर भी कौन सा रहेगा इनके लिए, जो नंबर रहेगा और कलर रहेगा वो कौन सा है। बिल्कुल, नंबर की बात यदि मैं करता हूँ तो 8 अंक का आप प्रयोग करें, यह आपके लिए बेहद ही अच्छा रहेगा। और साथ साथ मैं आपको बताऊं कि हो सके तो बैंगनी रंग का प्रयोग करें। और अपने आप को अच्छा करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए मैं कहूं तो आपको क्या करना है, किसी चौराहे पे किसी गमले में आपको क्या करना है कि एक पानी आपको छोड़ना है, या कोई भी पौधा चौराहे पे कोई भी पौधा लगा है उसमें एक मौली बांध देंगे, आपका पूरा सप्ताह अच्छा रहेगा, इसमें कोई समस्या की बात नहीं जी। आइए जानते हैं अब हम मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा ये सप्ताह। मिथुन राशि वालों के लिए समय जोर तोड़ का समय चल रहा है, दूसरे लोगों के साथ ही आगे बढ़ना है आपको। और यदि दुकानदार इत्यादि है तो थोड़ा सा आपकी सेल भी कम हो जाएगी, और घर परिवार में हल्की सी चिंता बनी रह सकती है, संतान पक्ष के लिए भी हल्की चिंता आपको बन सकती है। और सर दर्द और आपको पेट दर्द इस सप्ताह ये रहने वाला है। बुधवार, शुक्रवार और शनिवार, ये तीनों ही दिन आपके लिए अच्छे नहीं है। सोमवार के दिन कुछ आप बड़ा करने वाले हो, वो भी सायंकालीन समय। और विशेष तौर पे ये सप्ताह उतना अच्छा नहीं है, लगभग 55% के आसपास का आपका सक्सेस रेट चल रहा है जी। तो आचार्य जी, क्या कुछ उपाय करने होंगे मिथुन राशि वालों के लिए, और कौन सा रहेगा इनके लिए शुभ अंक और रंग की बात की जाएगी।
यदि मैं बात करूं आपके लिए शुभ अंक की, तो आप क्या करेंगे, आठ अंक का आप प्रयोग कर सकते हैं, और हो सके तो आप अंगूरी रंग का प्रयोग करें तो भी आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। उपाय की यदि मैं बात करूं तो आपको क्या करना, हरी दाल लेनी है, एक घड़े में डालनी है और वो घड़ा कहीं बहते हुए पानी में छोड़ देना है या कहीं दबा देना है, बेहद ही अच्छा आपके लिए ये रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी तो चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वालों का कैसा रहेगा ये सप्ताह। कर्क राशि वालों के लिए मैं बता दूं ये सप्ताह बहुत ही अच्छा और जो भी आप करना चाहते हैं उस सप्ताह आपका हो जाएगा, और खास तौर पे यदि मैं बताऊं तो आपको अपने रिश्तेदारों से बेहद लाभ मिलने वाला है और माता पिता का पूर्ण सहयोग आपके लिए रहने वाला है। एक फिर से और मैं बात करूं तो नया मकान यदि आपका बन रहा है तो उसमें शिफ्ट होने के लिए भी ये सप्ताह बड़ा ही अच्छा है। मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार ये तीनों ही दिन आप कुछ नया कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और विशेष तौर पे जो आपका जीवन में जोड़ तोड़ का समय है, थोड़ा सा पत्नी पक्ष से आपको परेशानी हल्की सी हो सकती है, और सोना इत्यादि खरीदने के लिए भी ये सप्ताह बड़ा अच्छा है। बुधवार के दिन आप सोना खरीद सकते हो तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। जी तो जानते हैं कि कौन सा रहेगा इनके लिए लकी नंबर और कलर। लकी नंबर की मैं बात करूं तो दो अंक का प्रयोग आप इस सप्ताह करें वो बेहद ही अच्छा रहेगा, और साथ साथ यदि हो सके तो मित्रों के साथ आप कहीं दूर दराज यात्रा करें तो आपके लिए वो भी अच्छा रहेगा। और सफेद, गहरे सफेद रंग का प्रयोग आप इस सप्ताह करें, अपने पास सफेद रुमाल इस सप्ताह जरूर रखें, आपको लाभ। चलिए तो बाकी की राशियों की बात भी हम करेंगे, लेकिन समय है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, और साथ ही हम बात करेंगे काल सर्पयोग के बारे में क्या होता है और क्या कुछ उपाय करने होते हैं आपको इसके लिए। तो आप बने रहिए सिटी चैनल के साथ।